हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसपीएससी का पार्ट 3 हम डिस्कस करेंगे। इस एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दो पार्ट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दोनों पार्ट्स के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के एंड पे मौजूद है। चलते हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, हाउ ऑफन डू यू गो आउट, द अंडरलाइन वर्ड्स डिनोट्स फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। वीवर्स, ये कंप्लीट पेपर हमारे पास मौजूद है, ओरिजिनल। ये आपको डिस्प्ले करने के लिए दिखाया गया है। मजीद पेपर हम ई टेस्ट स्लाइड्स पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, हाउ ऑफन डू यू गो आउट, द अंडरलाइन वर्ड्स डिनोट्स फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, स्टैंडर्ड वर्ड्स यूज्ड एज अ कॉमन जेंडर फॉर द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ मीटिंग इज चेयरपर्सन। किसी भी मीटिंग का जो हेड होता है, इंचार्ज होता है, उसे चेयरपर्सन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, द स्पेशीज टू विच वी बिलोंग टू होमो स्पेशीज। हमारा जिस स्पेशीज से ताल्लुक है उसे होमो स्पेशीज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, सोलर सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय, सोलर सिस्टम को गैलीलियो ने दरियाफ्त किया। क्वेश्चन नंबर 55, व्हेन आई गॉट होम आई फाउंड दैट माय सिस्टर वाज आयरनिंग क्लॉथ्स। दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। ये एक सिंपल सेंटेंस है। जब मैं घर गया तो मेरी बहन कपड़े इस्त्री कर रही थी। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले, अगर आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। क्वेश्चन नंबर 56, एट प्रेजेंट लार्जेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड इज। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम लॉर म्यूजियम है। लॉर म्यूजियम पेरिस फ्रांस में वाकया है। ये 7,82,910 स्क्वेयर फीट पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 57, हु इज जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा है। ये कनाडा के 23वें वजीर आजम है। क्वेश्चन नंबर 58, द निक नेम ऑफ आईबीएम इज। आईबीएम का निक नेम बिग ब्लू है। वीवर्स, आईबीएम एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आईबीएम स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्वेश्चन नंबर 59, एंटार्क्टिका इज सिचुएटेड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। एंटार्क्टिका साउथर्न हेमिस्फीयर में वाकया है। क्वेश्चन नंबर 60, व्हेन अ पेशेंट्स इम्यून सिस्टम बिकम्स रिएक्टिव टू अ ड्रग, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब कोई मरीज ड्रग्स का इस्तेमाल करता है तो वो ड्रग्स रिएक्ट करती हैं, तो इस सूरत में वो मरीज इंतहाई शदीद एलर्जी का शिकार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, ऑथर ऑफ बुक द मेकिंग ऑफ मॉडर्न सिन। ये किताब का नाम है द मेकिंग ऑफ मॉडर्न सिन। इसे हमीदा खोरो ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 62, गडानी बीच इज लोकेटेड इन। गडानी का साहिल बलूचिस्तान में वाकया है। क्वेश्चन नंबर 63, एरा इज द एब्रीवेशन ऑफ अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 64, आइडेंटिफाई द जंबल्ड कंफ्यूज्ड आर मीनिंगलेस सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। कहा गया है कि इन चारों में से ऐसा सेंटेंस ढूंढें जो कंफ्यूज करने वाला है, जिसके कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। We look receiving you forward to date at any early। ये ऐसा सेंटेंस है जिसके मीनिंग जो है कंफ्यूज कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 65, 1 billion इज इक्वल टू, 1 billion इज इक्वल टू 10^9। क्वेश्चन नंबर 66, शाहनामा इस्लाम वॉज रिटन बाय। शाहनामा इस्लाम ये किताब फिरदोसी ने लिखी थी। फिरदोसी का पूरा नाम अबू अल कासिम फिरदोसी था।
क्वेश्चन नंबर 67, अ पर्सन हु कलेक्ट्स आर स्टडीज स्टैंप इज कॉल्ड, कोई भी ऐसा शख्स जो स्टैंप पर स्टडी कर रहा है या स्टैंप को इकट्ठा करता है, उसकी हॉबी स्टैंप कलेक्टिंग है, इसे फिलेटलिस्ट कहा जाएगा। फिलेटलिस्ट, फिलेटली कहा जाता है मशगले को जो स्टैंप्स को इकट्ठा करने वाला है, और इस शख्स को फिलेटलिस्ट कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, फैथम इज द यूनिट ऑफ डेप्थ, फैथम जो है ये गहराई का यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 69, द सेवेरिटी ऑफ 2005 अर्थक्वेक इन पाकिस्तान ऑन रेक्टर स्केल वाज, 2005 में जो जलजला आया था रेक्टर स्केल पर उसकी पैमाई 7.6 थी। पाकिस्तान में 8 अक्टूबर 2005 को सुबह 8:50 पर शदीद जलजला आया था जिसकी पैमाइश रेक्टर स्केल पर रिकॉर्ड की गई, और ये रिकॉर्ड मेजरमेंट थी 7.6। क्वेश्चन नंबर 70, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स दैट बेस्ट कंप्लीट्स द सेंस इन द गिवन सेंटेंस, द प्रिंसिपल गेव हिज डैश टू आवर रिक्वेस्ट फॉर अ स्टीप डैश टू द टॉप ऑफ अ हिल, ऑप्शन बी आएगा पहली और दूसरी खाली जगह में। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज वेटिकल्चर, वेटिकल्चर कहा जाता है अंगूरों को एक काश्त करने को, अंगूरों का काश्त करना वेटिकल्चर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 72, द वे दैट समबॉडी लुक्स आर बिहेव इज डिमीनर, जब कोई शख्स किसी से मिलता जुलता है उसका जो बिहेव होता है उसे डिमीन ओवर कहा जाता है, बर्ताव जिसका मतलब है। क्वेश्चन नंबर 73, चूज द आर्टिकल दैट बेस्ट फिट इन द फॉलोइंग सेइंग, डैशबोर्ड इन डैश हैंड इज वर्थ टू इन डैश बुश, इन तीनों खाली जगहों में ऑप्शन बी आएगा, पहली खाली जगह में ए आएगा, दूसरी और तीसरी खाली जगह में डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 74, शॉर्ट साइटेडनेस इज ड्यू टू, शॉर्ट साइटेडनेस ये नजर कम आना है, ये बीमारी, ये मसला रेटिना की कमजोरी की वजह से लाहक होता है। क्वेश्चन नंबर 75, अस्टवाइल हितरटो, बोथ दीज वर्ड्स हैव somewhat similar shades of meaning, but the first one is used as an adjective and the second one is used as an adverb. Viewers, इसके साथ ही हम इजाजत दें, ये हमने competitive combined exam CCE SPSC का part 3 discuss किया है, इस video के बाद हम इस exam का part 4 discuss करेंगे। ये paper 100 questions पर मुश्तमिल था और इन 100 क्वेश्चंस को हम इन चारों पार्ट्स में इंशाल्लाह आज ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम SPSC के पार्ट 4 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।